देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं, जो लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं, हम उनको कैसे समझें कि उनका क्या मीनिंग है, उसमें जो वर्ड यूज हो रहा है, जो फ्रेज यूज हो रहा है, जो क्लॉज यूज हो रहा है, जो सेंटेंस यूज हो रहा है, वो आखिर में कैसे फंक्शन कर रहे हैं, उस वर्ड का, उस पार्ट्स ऑफ स्पीच का, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पता करें, उस वर्ड का, उस फ्रेज का हम कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पता करें कि कैसे फंक्शन कर रहा है, और वो सेंटेंस किस तरह का काम कर रहा है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, वो क्लॉज कैसी है, मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है, किस टाइप की काम कर रही है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है कि नाउन क्लॉज है, कैसे काम कर रही है, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, कॉम्प्लीमेंट फ्रेज है, इन्फिनिटिव फ्रेज है, जेरंड फ्रेज है, इन्फिनिट प्रेपोजिशनल फ्रेज है, कैसे काम कर रहे हैं हम ये देखेंगे, एक एक चीजों को बड़ी बारीकी से देखेंगे। देखा जाए तो ये ग्रामर की सबसे टफ टेक्निक मानी जाती है कि एक सेंटेंस को ब्रेक करके हम ये पता करें कौन सा वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस कैसे फंक्शन कर रहा है। इसके लिए हमें कंप्लीट ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आखिर में इन सभी चीजों को हम कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे फंक्शन के आधार पर हम पता करेंगे कि कौन सा वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस कैसे वर्क कर रहा है। तो आइए देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वाली पीडीएफ या जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ रिसेंटली, उन सभी के पीडीएफ जो है, वो वीडियो जो है, मैं शेयर कर देता हूँ ओपार क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर। आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप रेनन मार्टिन का कंप्लीट ग्रामर बैच पढ़ना चाहते हो तो आपको 499 में अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप कंप्लीट एसपी बख्शी पढ़ना चाहते हो, उसका ग्रामर और उसकी सारी एक्सरसाइजेस दोनों, तो वो केवल और केवल 99 रुपीज में अवेलेबल हो जाएंगी। ऐप की लिंक जो है मैंने इस पीडीएफ में दे दी है, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे, उपहार क्लासेस, केवल उपहार क्लासेस सर्च करोगे और ये लोगो आपको देखने मिलेगा, तो आप इस वाले ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। अब आते हैं टॉपिक पर। सेंटेंस देखो दिया गया, दो इंडियास पॉपुलेशन फिगर्स हैव नॉट बीन ऑफिशियली अकाउंटेड फॉर सिंस 2011, 2011 एस्टिमेट्स फ्रॉम द यूएन पॉपुलेशन, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एंड एक्सपर्ट्स सजेस्ट दैट इंडिया इज नियरली लेवल विद चाइना एंड मे हैव सरपास्ड इट सम टाइम इन 2023। देखिए, अब हमें ये समझना होगा कि इस सेंटेंस में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। और दूसरी चीज, पहले तो मैं यहाँ पर सेंटेंस नंबर वन ये डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो में टोटल तीन सेंटेंसेस डिस्कस करूंगा, वो सभी बड़े बड़े होंगे। ये 4 लाइंस का है, आगे 5-6 लाइन का भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, वो हम देखेंगे। देखिए, इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, यद्यपि हालांकि देखा जाए तो इंडियाज पॉपुलेशन, इंडिया की जो पॉपुलेशन का जो फिगर है, जो आंकड़े हैव नॉट बीन ऑफिशियली अकाउंटेड, वो ऑफिशियल तौर पर अकाउंटेड, वो काउंट नहीं किए गए हैं, उनकी गणना नहीं की गई है 2011 से। एस्टिमेट्स, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, कहाँ से अनुमान लगाया जा रहा है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एंड एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी तरफ से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जो रिपोर्ट आई है, जो भी कुछ उनकी डिटेल्स है, उससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो सजेस्ट करता है दैट कि इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन, इसमें पॉपुलेशन शब्द छुपा हुआ है, इस नियरली लेवल विद चाइना, कि वह चाइना की जो पॉपुलेशन है उससे वो लेवल कर गया, उसकी बराबरी कर गया है। एंड और ऐसा हो सकता है, मे हैव सरपास्ड, पास कर चुकी होगी, शायद कर चुकी होगी, इट समटाइम इन 2023,
2023 में शायद ऐसा भी हो सकता है, या तो वो चाइना की बराबरी कर ली होगी जनसंख्या ने, या ऐसा भी हो सकता है कि उसने 2011 में चाइना की पॉपुलेशन को भी सरपास कर दिया होगा, उससे भी आगे निकल गई होगी। ठीक है, अब समझते हैं एक एक चीजों को। दो, ये हमारी है, ये हमारा क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि कंट्रास्ट को शो करता है, विपरीत। ठीक है, इंडिया प्रॉपर नाउन है, इसमें अपोस्ट्रोफ एस लगाया है ना, तो ये हमारा हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पॉपुलेशन TION जिसमें होते लास्ट में, उसको बोलते हैं हम नाउन। फिगर्स प्लूरल लिखा हुआ है, ये भी नाउन है। यहां से लेके यहां तक ये कंप्लीट हमारा नाउन फ्रेज है। क्या है नाउन फ्रेज? ये फंक्शन कर रहा है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का। इस सब्जेक्ट का वर्ब कहाँ है? तो वर्ब यहाँ पर रही है, क्योंकि फिगर्स जो है ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हैव आएगा। तो सर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज क्यों नहीं आया? देखिए ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये मॉडिफायर का काम कर रहा है, और ये आपका मेन नाउन है जिसके बारे में बातचीत हो रही है, फिगर्स के बारे में बात हो रही है। इतना ना उलझे तो हम सीधे सीधा नाउन फ्रेज देखें कि इंडिया की जो पॉपुलेशन के जो फिगर्स हैं, उन फिगर्स के बारे में बातचीत हो रही है, इसलिए हम इससे रिलेटेड ही वर्ब लगाएंगे और इस कंप्लीट को नाउन फ्रेज ही मान के चलेंगे। हैव नॉट बीन, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन एडवर्ब है, ये बीन इसी वर्ब का पार्ट है, ऑफिशियली आपका एडवर्ब है। अकाउंटेड, अकाउंटेड आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कौन है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर है। अब इन सबको मिलाकर के बोला जाएगा वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज। अब ये मत कहना सर इसके बीच में एडवर्ब आ गया है, इसके बीच में तो नॉट भी आया हुआ है, हम उसको भी तो काउंट कर रहे हैं। इस कंप्लीट को बोलेंगे नाउ आपका वर्ब फ्रेज, इस वर्ब के अंदर एक शब्द और भी जोड़ दो, प्रपोजिशंस को भी, ये पूरा नाउन फ्रेज आपका है। क्या है आपका? सॉरी, वर्ब फ्रेज है। फिर इसके आगे थोड़ा देखें, सिंस, और उसके बाद ईयर लिखी हुई 2011। क्योंकि सेंटेंस पैसिव वर्ब में लिखा हुआ है, इसलिए फॉर की बात का हिस्सा नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये कंप्लीट आप यहाँ पर इसको वर्ब फ्रेज मान के चलें। फिर सिंस एक प्रपोजिशन दिया है, इसको टाइम यहाँ पर ऐड किया गया है, ये आपका नाउन है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस सिंस के लिए, और हम इसको पूरा कंसिडर करेंगे यहां से लेके यहां तक, तो ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए आपका ये एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए यहाँ पर, और कुछ लोगों को इसका आंसर पता होगा, मैं फिर भी पूछता हूँ। एस्टिमेट्स, ये एक वर्ब है जो कि सिंगुलर फॉर्म में लिखी हुई है, मुझे इसका सब्जेक्ट ढूंढ के बताइए कि इसका सब्जेक्ट कहाँ पर है, सोचिए। देखिए मैंने काफी वीडियोस बना रखे हैं इन चीजों के ऊपर, और मैंने काफी एक्सप्लेन कर रखा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, यहाँ तक पहुंच गए हो और सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में इस चीज का आंसर कीजिए कि जो एस्टिमेट्स जो हमारी वर्ब है, इस वर्ब का आखिर में रियल में सब्जेक्ट कौन है, रियल में सब्जेक्ट कौन सा है। हो सकता है इस पूरे सेंटेंस में उसका नाम लिखा हो सब्जेक्ट का, हो सकता है इसमें वो सब्जेक्ट का नाम ना लिखा हो, ये भी हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट में इस चीज का आंसर जरूर दीजिए। ये प्रपोजिशन है, ये डिटरमिनर है, यूएन पॉपुलेशन फंड, ये आपका है नाउन फ्रेज। क्या है? नाउन फ्रेज। ये फिर सारे के सारे मिलके फिर रियल में हो गए नाउन फ्रेज। रियल कौन सा? झूठा नहीं, रियल कौन सा? नाउन। इस डिटरमिनर को भी इसके अंदर कंसिडर किया जाएगा, फंक्शन कर रहा है ऑब्जेक्ट का इस प्रपोजिशन के लिए, ये सारे के सारे मिलकर के काम कर रहे हैं प्रपोजिशनल फ्रेज का, और इंडिकेट कर रहे हैं कि ये चीज कहाँ से अनुमान लगाया जा रहा है, तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है, और प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, तो ये एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, और फ्रेज ऑफ यानी कि ये जो फ्रेज है प्लेस का काम कर रहा है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। फिर एंड कंजंक्शन लगा हुआ है, एंड एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स हैं तो एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ पर है, तो ये हमारा कॉमन नाउन है जो कि प्लूरल में लिखा हुआ है। एंड एक्सपर्ट सजेस्ट,
तो ये हमारा वर्ब है, और वर्ब होने के साथ साथ ये इसका सब्जेक्ट रहा, ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है एक्सपर्स। प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। सजेस्ट व्हाट, तो आंसर आया दैट। दैट हमारा क्या है, कंजंक्शन है। इंडिया इज, अब कुछ लोग कहेंगे सर ये हम इसको इंडिया इज मान लेते हैं तो फिर एक और इज कैसे आ गया, ये तो गलत है। हम इसको ऐसे भी मानते हैं कि ये इंडिया हैज भी हो सकता है, तो हैज तो फिर अगला इज क्यों आ गया। देखिए बेसिकली सेंटेंस में जो बातचीत चल रही है वो एक पॉपुलेशन फिगर्स के बारे में बात चल रही है, तो यहाँ पर इस अपोस्ट्रोफी एस का मतलब है कि इंडियाज पॉपुलेशन। यहाँ पर पॉपुलेशन शब्द जो है वो छुपा हुआ है, पॉपुलेशन शब्द जो है वो यहाँ पर छुपा हुआ है। पढ़ते पढ़ते अंदाज लग जाएगा कि यहाँ पर इंडियाज पॉपुलेशन ही यहाँ पर बातचीत हो रही है। अब पॉपुलेशन शब्द जो वो छुपा हुआ वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इज आया हुआ है, ये अपोस्ट्रोफी ही है, बस पॉपुलेशन शब्द छुपा हुआ है। नियरली लगभग, ये एडवर्ब है, ठीक है। नियरली लेवल, अब लेवल क्या है हमारा, लेवल इज नियरली लेवल विद। लेवल जो है वो बराबरी को दिखा रहा है कि भाई बराबर है। अब लेवल ग्रामर में क्या फंक्शन कर रहा है यहाँ पर, चीज मैं आपको काफी समझा रहा हूँ। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन यहीं पर और पूछ लेता हूँ कि ये किस टाइप का फंक्शन कर रहा है, ये किस पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रहा है सेंटेंस में। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आप चाहें तो डिक्शनरी भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसका भी आंसर मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में। विद प्रेपोजिशन चाइना हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन। एंड कंडीशन मे हैव सरपास्ट, ये हमारा प्रेपोजिशन सॉरी वर्ब फ्रेज है। क्या है वर्ब फ्रेज, ये मॉडल वर्ब हैव लगने से ये मॉडल वर्ब बन रही है, पास्ट की मॉडल वर्ब, ये बन गई पास्ट की मॉडल वर्ब। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है हैव की वजह से, तीनों को मिला के बोलेंगे वर्ब फ्रेज। विद चाइना, किसके साथ में, चाइना के साथ में, फिर एंड कंजंक्शन हो, ये हमारी वर्ब फ्रेज हो गया। सरपास्ड इट, किसको सरप्राइज किया होगा, पॉपुलेशन को। पॉपुलेशन जो है वो एक कैसा नाउन है, पॉपुलेशन किसी जनता को, जनता को तो इंडिकेट कर ही रहा है, जानवरों को तो कर नहीं रहा है, उसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। हमें पता है कोई ऐसा शब्द जो मेल और फीमेल दोनों को इंडिकेट करता है, अगर वो सिंगुलर हो तो उस केस में हम लोग वहां पर इट का यूज करते हैं, ठीक है। समटाइम इन 2023, सम टाइम इन, सरपास्ड इट इन सम टाइम, यानी कुछ समय के अंदर, कब, कुछ समय के अंदर, ये एडवर्ब है जो टाइम को बता रहा है। इन प्रपोजिशन है, ये हमारा नाउन है, काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का इस प्रपोजिशन के लिए, ये दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं प्रपोजिशन फ्रेज। कब सरपास किया होगा, तो आंसर आया समय, टाइम 2023 में, और टाइम को इंडिकेट करने वाला जो फ्रेज होता है वो एडवर्ब फ्रेज होता है, ठीक है। तो ये एडवर्ब फ्रेज है। अब ये किस टाइप का सेंटेंस है कंप्लीट, तो देखिए एक सेंटेंस यहां से लेकर के यहां तक लिखा हुआ है, ठीक है, फिर एस्टिमेट्स करके आगे एक सेंटेंस है जिसका सब्जेक्ट छुपा हुआ है, फिर एक सब्जेक्ट अलग अगला आया उसका एक और वर्ब लिखा हुआ, एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, फिर सजेस्ट के बाद इसका ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो इसका ऑब्जेक्ट दैट से लिखा हुआ एक क्लॉज है, सजेस्ट व्हाट, और व्हाट से आंसर पूछा जा रहा है, और हमें पता है व्हाट और होम से जो आंसर आते हैं वो नाउन निकल के आते हैं। अब ये फ्रेज तो है नहीं, ये तो क्लॉज है क्योंकि इसमें वर्ब भी लगा हुआ है, तो ये जो है इस सजेस्ट का, ये जो क्लॉज यहाँ पर जो लिखी हुई है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है इस सजेस्ट का, पहली बात। दूसरी बात, ये एक नाउन क्लॉज है जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं, वो कहलाते हैं नाउन क्लॉज। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, तो देखते हैं आगे अगला सेंटेंस। इन मैनी ऑफ दीज कंट्रीज, इन कंट्रीज में से कई सारी कंट्रीज, देयर इज नो एंट्री बैरियर टू हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, देयर इज नो एंट्री बैरियर्स,
यानी कि कई सारी कंट्रीज में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, यानी इन कंट्रीज में से कुछ कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें हेल्थ और इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, उनकी पॉलिसीज के रिगार्डिंग कोई भी बैरियर नहीं है कि भाई आपका होगा आपका नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। दो, फिर भी फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ एक्चुअरियल इकोनॉमिक्स फ्रॉम कंट्रीज एगो, फॉलोइंग प्रिंसिपल्स जो सिद्धांत हैं जो अभी देखे गए हैं, एक्चुअरियल, एक्चुअरियल का मतलब होता है स्टेटिक्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी बेस्ड ऑन रिस्क, जो रिस्क होते हैं जो प्रीमियम्स होते हैं उनके आधार पर, यानी कि स्टेटिक्स मानो सीधे सीधे उनके जो कह सकते हैं स्टेटिक्स का, मुझे एक्चुअली हिंदी याद नहीं आ रही है, उनके जो आंकड़े हैं जो इकोनॉमिक्स आंकड़े हैं फ्रॉम सेंचुरीज एगो, बहुत टाइम पहले जो आंकड़े निकल के आते हैं इकोनॉमिक्स में, जो आपके प्रीमियम या जो उनके रिस्क जो हैं कंपनीज के, उनके आधार पे अगर देखा जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस गेट्स प्रोग्रेसिवली एंड समटाइम एक्सपोनेंशियली मोर एक्सपेंसिव एज एज एडवांसेस। तो देखा गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो गेट्स प्रोग्रेसिवली निरंतर बढ़ता जा रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है एंड समटाइम्स एक्सपोनेंशियली तेजी से मोर एक्सपेंसिव एज एज एडवांसेस, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनका प्रीमियम जो है उनकी जो किस्त है वो भी बहुत ज्यादा होती चली जा रही है। तो ये मान के चलते हैं कि भाई ठीक है, एज का कोई बाउंडेशन नहीं है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कि हाँ आप नहीं करवा सकते करवा सकते हो, लेकिन जो उनके स्टेटिक्स निकल के आते हैं बहुत पहले के, अगर सब सारे देखा जाए आज तक के, तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पहली बात ये तो बात ठीक है, उसके अलावा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसका जो एक्सपेंसिव, जो एक्सपेंसिवनेस जो है, जो उसकी महंगाई दर है, जो उसकी प्रीमियम है, वो भी एज के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है, तो ये भी देखा जा रहा है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। इन मैनी ऑफ दीज कंट्रीज, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना समझना आप, इन मैनी ऑफ दीज कंट्रीज, ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है, अब आपको जल्दी जल्दी समझना है, इसी तरह से देखना है, टुकड़ों में देखो तो प्रॉब्लम होगी, एक एक करके देखो फिर उसको सोचो ये क्या है ये क्या है, तो प्रॉब्लम होगी, जैसे बता रहा हूँ वैसे देखो एक बार में समझ में आ जाएगा, और इसको ऐसे ही कंसीडर किया जाता है लास्ट में। प्रेपोजिशनल फ्रेज है और बता रहा है कि कहाँ पर, कई सारी कंट्रीज में, तो ये एडवर्ब है और ये प्लेस का काम कर रहा है। दिया जो वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जो कि किसी आगे आने वाली बात या सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन देता है। इस लिंकिंग वर्ब है, नो डिटरमिनर एंट्री बैरियर, ये दोनों मिलकर के काम करें नाउन फ्रेज का, जिसके साथ में एक डिटरमिनर है, तो तीनों को फिर से मिला के बोलेंगे नाउन फ्रेज, तीनों को मिला के नाउन फ्रेज ही बोलना है लास्ट में, तो ऐसे ही शब्दों को मिला के लास्ट में हमें एडवर्ब ही बोलना है, तो उसको एक साथ ही ले लिया, ठीक है। बैरियर टू, ये टू हमारा प्रपोजिशन है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपाउंड नाउन है, हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योरेंस पॉलिसीज कंप्लीट मिलाकर के बोलोगे आप नाउन फ्रेज या कंपाउंड नाउन। दो, यद्यपि ऐसा देखा गया है, अब आगे बात को हमें काटना पड़ रहा है कि ऐसा ऐसा और देखा गया है इसके विपरीत, तो ऐसे कंडीशन में हमें सेंटेंस को तोड़ने के लिए उस कंडीशन से पहले कॉमा लगा दो और इसको फिर कॉमा लगा दो, ताकि ज्यादा इफेक्टिवली सेंटेंस समझ में आए कि देखो ऐसा हो गया यहाँ पर। फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, ये आपका कंप्लीट कहलाएंगे नाउन फ्रेज ऑफ प्रिंसिपल्स कहाँ के, तो एक्चुअरियल इकोनॉमिक्स, तो जो देखे गए हैं इस स्टेटिक्स इंश्योरेंस कंपनी के, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनके आधार पर, तो ये आपका पार्ट है, ये आपका पार्ट है, ये आपका टोटल है, ये ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रॉम प्रपोजिशन है, सेंचुरीज एगो, कई सारे मतलब सेंचुरीज एगो सदियों पहले से देखा जब गया है, तो ये प्रपोजिशन फ्रेज है, ठीक है। ये हालांकि आपका एक एडवर्ब है जो कि टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो इसको और इसको मिला के बोलेंगे एक समय को इंडिकेट कर रहा है, तो ये एडवर्ब फ्रेज है जो कि टाइम को बता रहा है,
हेल्थ इंश्योरेंस नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस वर्ब के लिए, गेट्स के लिए, प्रोग्रेसिवली, ठीक है। तो ये आपका एक एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है, जो कि बता रहा है कि काम कैसे हो रहा है, लगातार चलता चला जा रहा है, ठीक है। एंड कंजंक्शन है समटाइम्स, एक्सपोनेंशियली, बहुत तेजी से, कभी कभी बहुत तेजी से, ये भी एडवर्ब है जो टाइम को इंडिकेट कर रहा है, ये भी एडवर्ब है जो मैनर को बता रहा है कि किस तरह से, कि बहुत तेजी से। मोर आपका एडवर्ब है, एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है, ये भी एडवर्ब है, ये दोनों मिलकर के बन रहे हैं एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। एज इज एडवांसेस, ये आपका कंजंक्शन है, बता रहा कि कैसे काम जारी है। एज आपका नाउन, एडवांसेस आपका वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, इस एज सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी अभी कंप्लीटली कैसा सेंटेंस है, ये कंप्लीट एक सिंगल सेंटेंस है, सिंगल ना बोल के इसमें अलग अलग वर्ब हैं, तो अलग अलग सेंटेंसेस में दिए गए हैं। ये आपका देखा जाए तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जो इसमें जिसमें कंट्रास्ट शो किया जा रहा है, जिसमें कंट्रास्ट शो किया जा रहा है, इसमें विरोधाभास दिखाया जा रहा है कि ऐसा भी हो रहा है और ऐसा भी हो रहा है, इसमें अलग अलग चीजें दिखाई जा रही हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस अपना है, अ बेबी गर्ल हु वॉज स्टक ऑन द एज ऑफ अ टेम्परेरी सनशेड ऑफ एन अपार्टमेंट बिल्डिंग नियर आबादी वॉज रेस्क्यूड बाई नेवर्स ऑन संडे। बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं, टेंशन मत लीजिए। क्या कहा जा रहा है कि ए बेबी गर्ल, एक छोटी सी बच्ची जो कि लड़की थी, ठीक है ना, वो गई नहीं दुनिया से, मतलब इंसिडेंट के बारे में बातचीत चल रही है, हु वॉज स्टक, जो कि फंस गई थी कहां पर, ऑन द एज ऑफ अ टेम्परेरी सनसेट, जो धूप से बचने के लिए हम लोग जो ऊपर शेड लगा देते हैं, उसके एज पर, उसके किनारे पे जाकर के फंस गई, ठीक है। कहां फंसी, किस में फंसी, ऑफ एन अपार्टमेंट बिल्डिंग, बिल्डिंग के अपार्टमेंट में, कहां पर, नियर आबादी, एक जगह का नाम यहाँ पर दिया, आबादी जगह, कोई आबादी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है या पॉकेट जो भी कुछ है, कॉलोनी वगैरह, उस आबादी नाम की जगह पर, एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में, सनसेट जो लगा हुआ था उसकी एज पर, एक छोटी सी लड़की फंस गई, वॉज रेस्क्यूड, वो लड़की बचा ली गई, बाई नेवर्स, पड़ोसियों के द्वारा, रविवार को, सी हैज बीन एडमिटेड, उसको भर्ती कर दिया गया है टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, इन एगमोर, एगमोर नाम के हॉस्पिटल में, एंड इज डूइंग फाइन, और फिलहाल वो अब स्वस्थ है। हाउ आर यू डूइंग, आई एम डूइंग फाइन, उसी तरह से लिखा हुआ है, डूइंग फाइन का मतलब वो ठीक है। अ सीनियर ऑफिसर ऑफ द आबादी पुलिस कमिश्नरेट, जो सीनियर ऑफिसर हैं आबादी पुलिस कमिश्नरेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा, सेड, कहा, द 7 मंथ ओल्ड बेबी, वो 7 महीने की जो लड़की है, अलोंग विद हर पेरेंट्स, उसके माता पिता के साथ, वेंकटेश एंड रामिया, वेंकटेश और रामिया जो पेरेंट्स हैं उनके, लिव्ड ऑन द 4th फ्लोर ऑफ द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स में, उस अपार्टमेंट के 4th फ्लोर पर वो रहते थे, इन थिरुमुल्लई वोयल, शायद इसको ऐसे प्रोनाउंस किया जाएगा, ये जगह का नाम है, उस जगह पर कॉम्प्लेक्स था, अपार्टमेंट था उनका, ऑन संडे, रविवार को, वेन मिस साम राम्या, जब राम्या जो थी, जो उनकी माँ थी, वॉज प्लेइंग विद हर डॉटर, जब वो अपनी पुत्री साथ खेल रही थी, ऑन बालकनी, बालकनी जब खेल रही थी, हर हैंड स्लिप्ड, उनके हाथ से फिसल गई वो बच्ची, एंड द बेबी लैंडेड ऑन द टेम्परेरी सनसेट ग्लो, जो नीचे टेम्परेरी तौर पर, अस्थायी तौर पर जो सनसेट लगा हुआ था, उस पर जाकर के वो गिर गई और वहां पर जाकर के वो फंस गई, ये रहा इसका हिंदी मीनिंग। अब आइए देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस कैसा काम कर रहा है, कौन सा वर्ड कैसे काम कर रहा है। अ डिटरमिनर है बेबी,
नाउन है, गर्ल नाउन है, तीनों को मिला के बोलेंगे नाउन फ्रेज, ठीक है। हु कंजंक्शन है, किस टाइप का कंजंक्शन है, रिलेटिव कंजंक्शन है, काम कर रहा है यहाँ पर सब्जेक्ट का इस वॉज स्टक के लिए। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, दोनों बता रही हैं, ये पैसिव वॉइस है, और दोनों मिलकर के बन रहे हैं वर्ब फ्रेज। क्या बन रहे हैं, वर्ब फ्रेज। स्टक कहाँ पर हो गई, ऑन प्रेपोजिशन द डिटरमिनर, लिखता जा रहा हूं मैं। एज आपका नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ए डिटरमिनर है, टेम्परेरी आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। सन शेड, सन अलग है, शेड अलग है, दो अलग अलग नाउन को मिला के बनाया है कंपाउंड नाउन। क्या बनाया है, कंपाउंड नाउन, ठीक है। कैसे फंक्शन कर रहा है वो भी देख लेते हैं। ऑन द एज, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, तो ये एडवर्ब फ्रेज है प्लेस के संबंध में। ऑफ आर टेम्परेरी सन शेड, ठीक है। ये तीनों मिलकर के फिर से काम कर रहे हैं नाउन फ्रेज का, जो कि ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहे हैं इस प्रपोजिशन का। तो सर हम इस ऑफ से लेकर के इसको कैसे कंसिडर करेंगे, देखिए ये जो है ये टोटल है, ये जो है टोटल है, इसका पार्ट है द एज, सॉरी टोटल नहीं है, टोटल तो इसका आगे लिखा है, मिस्टेक हो गई है। एन अपार्टमेंट बिल्डिंग, ये टोटल है, इसका पार्ट ये है, और इसका पार्ट, बल्कि पार्ट को अलग अलग किया जाए तो देखिए ये है टोटल। ऐसे देखो, अपार्टमेंट बिल्डिंग थी, बिल्डिंग में क्या लगा था, सनसेट लगा हुआ था, ठीक है, ये हो गया इसका पार्ट। अब ये खुद अपने में टोटल है इस पार्ट का, इस पार्ट की एज पर, तो ये हो जाएगा पार्ट, इसका टोटल ये है, ये खुद अपने में पार्ट है इस टोटल के लिए, ऐसे समझिए। और ये अलग अलग नाउन फ्रेजेस हैं, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे कहूं कि ऑन द एज ऑफ अ टेम्परेरी शेड ऑफ एन अपार्टमेंट बिल्डिंग, इन तीनों को, चारों को, जितने भी वर्ड्स हैं सारे शब्दों को मिला के हम बोलेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब आपको समझ में आएगा अब ये कैसे काम कर रहा है, कहाँ पर फंस गई थी, तो बिल्डिंग के अपार्टमेंट में जो टीन शेड लगी हुई थी, सॉरी सनशेड जो लगी हुई थी, उसके एज पे जाके फंस गई, तो ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, ये एडवर्ब फ्रेज है, काम कर रहा है प्लेस का, किसका काम कर रहा है प्लेस का, कैसे समझा जाता है। फिर नियर हमारा क्या है, प्रपोजिशन है, आबादी क्या है, एक जगह का नाम है, जो ये नाउन है, दोनों को मिला के बोलेंगे प्रपोजिशनल फ्रेज, फंक्शन कर रहा है एडवर्ब का प्लेस के लिए। वॉज रेस्क्यूड, अब देखिए ये वर्ब फ्रेज है जो कि लिखा हुआ है पैसिव वॉइस, इसका सब्जेक्ट कहाँ है, देखिए इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो हु आ गया, और खुद कंजंक्शन भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन बचाया गया, सोचिए इसके पहले कितने बार है, आबादी बचाई गई नहीं, वो जगह अपार्टमेंट बिल्डिंग नहीं बचाया गया, टेम्परेरी शेड नहीं बचाया गया, एज नहीं बचाया गया, कौन बचाया गया, वो लड़की बचाई गई, तो ये वर्ब जो है इस लड़की के लिए आई हुई है। अब एग्जामिनर क्या करता है, यहां पर कोई शब्द दे देगा प्लूरल और इसके बगल में लगा देता है वो यहाँ पर वर्ब, तो आप कहते बिल्कुल सेंटेंस सही है, लेकिन कॉमन सेंस और रीडिंग का यूज करेंगे तो यहाँ पर जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, तो बचाने का जो काम किया है उस बच्चे के लिए, ठीक है, किसने किया, बाई नेवर्स, ये हो गया माध्यम, यानी कि ये प्रपोजिशन फ्रेज है, मैनर को शो किया रहा है, किस माध्यम से बचाया गया, तो मैनर्स के माध्यम से, सॉरी वो नेवर्स के माध्यम से बचाया गया, कब बचाया गया, संडे को, प्रपोजिशन फ्रेज है, काम कर रहा है एडवर्ब का, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, टाइम को इंडिकेट कर रहा है। सी, सी एक प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, फेमिनिन जेंडर के लिए आता है, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी दी गई है। हैज हेल्पिंग वर्ब, बीन बता रहा है कि ऐसा काम हुआ पैसिव वॉइस में, एडमिटेड थर्ड फॉर्म, हैज बीन एडमिटेड, ये आपका कंप्लीट कहलाएगा वर्ब फ्रेज, क्या कहलाएगा, वर्ब फ्रेज। एडमिटेड टू, कहाँ पर किया गया, इंडिकेट करने डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा प्रपोजिशन, तो यहाँ पर लग गया टू प्रपोजिशन है, ए डिटरमिनर, प्राइवेट एडजेक्टिव है, हॉस्पिटल हमारा नाउन है,
टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल जगह को इंडिकेट कर रहा है कि उस जगह पर ऐसा काम किया गया, तो ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। इन एक्मोर, ये भी जगह का नाम, नाम ही एडवर्ब फ्रेज ये भी है, एंड कंजंक्शन है इज डूइंग फाइन। ये एक सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। इसका सब्जेक्ट कहाँ पर है, कौन ठीक है, नेवर ठीक है, वो हॉस्पिटल ठीक है कि वो टीन, वो सनस्ट्रीट ठीक, अपार्टमेंट ठीक, कौन ठीक है, तो वो ठीक है वो लड़की, तो इस लड़की के लिए ही यहाँ पर ये सेंटेंस आगे लिखा गया है, सब्जेक्ट छोड़ दिया गया है, कॉमन सेंस की बात है, सब्जेक्ट कौन ठीक हो गया। ए डिटरमिनर, सीनियर एडजेक्टिव, ऑफिसर नाउन, तीनों को मिला के बोलेंगे नाउन फ्रेज, क्या बोलेंगे नाउन फ्रेज। कहाँ के सीनियर ऑफिसर है, द आबादी पुलिस कमिश्नरेट, ये आपका कंप्लीट एक नाउन फ्रेज है, क्या है नाउन फ्रेज। अब मैं इसको ऐसे कंसिडर ना करके मैं ऐसे कंसिडर करता हूँ, क्योंकि अलग अलग थोड़ी ना देखा जा रहा है, ये तो सिंगल पर्सन कौन है, ए सीनियर ऑफिसर ऑफ द आबादी पुलिस कमिश्नरेट, ये पूरा एक सिंगल एक पर्सन के बारे में फ्रेज लिखा हुआ है। अब इसको पूरे को बोलो आप नाउन फ्रेज, ऐसे सीखी जाती है। काम कर रहा है नाउन फ्रेज सब्जेक्ट का, इसके वर्ब कौन है सेड, सेड क्या है, सेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट को लिखा गया अफर्मेटिव का। क्या कहा उन्होंने, द डिटरमिनर 7 मंथ ओल्ड, ये आपका एक एडजेक्टिव फ्रेज है, बेबी ये आपका हो जाएगा नाउन, और ये तीनों मिलकर के बन जाएंगे, वेरी गुड, तीनों मिलके बन जाएंगे नाउन फ्रेज। किसका काम कर रहे हैं ये, ऑब्जेक्ट का इस सेट के लिए। बेबी कैसी बेबी, अलोंग विद हर पेरेंट्स द बेबी हु वाज अलोंग विद हर पेरेंट्स, इसका मतलब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज तो है इतना पूरा, लेकिन ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, कौन सा बेबी, वह जो अपने माता पिता के साथ में था, एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है इसके बारे में। वो कौन थे, वेंकटेश एंड राम्या, देखिए ये एपोजिटिव, ये आपका एपोजिटिव फ्रेज है, एपोजिटिव फ्रेज है, पेरेंट्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा, कुछ का नहीं होगा, कुछ का क्वेश्चन होगा सर यहाँ पे कॉमा क्यों नहीं लगाया, एपोजिटिव फ्रेज में कॉमा तो आता है, और अगर मैं लगा दूं तो फिर जो लोग ये कह रहे थे कि कॉमा नहीं लगे, अब वो कहेंगे सर आपने कॉमा क्यों लगा दिया, तो देखो यहाँ पर कॉमा नहीं लगेगा। जब एपोजिटिव फ्रेज लिखा जाता है तो उसकी दो कंडीशन होती हैं, एक एडिशनल और एक नेसेसरी। नेसेसरी वो फ्रेज एपोजिटिव फ्रेज होता है जिसको बताना जरूरी होता है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए उस एपोजिटिव फ्रेज के साथ में कॉमा नहीं लगाते हैं। अगर सबको सब जानकारी है या उस फ्रेज में जो बात बताई गई उससे कोई लेना देना किसी का है नहीं, तो हम उसके साथ में कॉमा लगाते हैं। अब मुझे ये बताइए, उसके पेरेंट्स को सभी लोग जानते थे क्या, जो न्यूज पढ़ रहे हैं क्या वो उसके माता पिता का नाम जानते थे, आप अगर नहीं जानते हैं तो माता पिता का नाम बताया जा रहा है कि वो कौन थे, तो इसलिए यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया, ये एपोजिटिव फ्रेज है बिना कॉमा का पेरेंट्स के लिए, और कॉमा इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसके माता पिता को कोई भी नहीं जानता है, इसलिए नाम बता दिया गया है। लिव्ड पास्ट की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, पेरेंट्स है इसके सब्जेक्ट, कहां पर रहते हैं, ऑन द फोर्थ फ्लोर, प्रपोजिशन फ्रेज, ऑफ द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स इन थिरु मुल्लई मुल्लई वोयल। अब मैं इसको कंप्लीट जोड़ के पढ़ता हूं हमेशा, ऑन द फोर्थ फ्लोर ऑफ द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स इन थिरु मुल्लई वोयल, ऐसे करके मैं ऐसे पढ़ता हूँ, तो कहां पर रहते थे उनका जगह बताई जा रही है। देखा जाए तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, काम कर रहा है एडवर्ब का, एडवर्ब के अंदर जो ये काम कर रहा है ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, तो ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस है, ठीक है। ऑन संडे प्रेपोजिशनल फ्रेज है, काम कर रहा है एडवर्ब का, एडवर्ब के अंदर किसका काम कर रहा है, टाइम बताने वाला एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ, वेरी गुड, टाइम। फिर आगे
एक सेंटेंस लिखा हुआ क्लॉज में, व्हेन, जब, एडवर्ब का काम कर रही सेंटेंस, पहले इसको ऐसे देख लेते हैं, ये कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि टाइम को बता रहा है, तो आगे जो क्लॉज बनेगी वो एडवर्ब क्लॉज बनेगी जो कुछ टाइम को इंडिकेट करेगी। मिस राम्या वॉज प्लेइंग, ये नाम हो गया, सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब फ्रेज यहां पर यूज हुई है, राम्या वॉज प्लेइंग, प्लेइंग विद होम, तो आंसर आया विद हर डॉटर, कहां पर खेल रही थी, ऑन द बालकनी, बालकनी खेल रही थी, तो ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज है। अब प्रपोजिशनल फ्रेज तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब का काम क्यों कर रहा है, क्योंकि ये प्लेस को बता रहा है कि कहां पर खेल रहे थे, बालकनी में। हर हैंड स्लिप, उनका हाथ जो है वो स्लिप कर गया, स्लिप करना, स्लिप हो जाना, उनके हाथ स्लिप हो गए, ये आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, और वर्ब ऑफ हैपनिंग है, हो जाना, करना नहीं, हो जाना, उनके हाथों से वो स्लिप हो गई, उन्होंने की नहीं जानबूझ के, स्लिप हो गई। सब्जेक्ट इसका ये वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट डेफिनेट सेंटेंस लिखा हुआ है, एंड कंजंक्शन जुड़ा हुआ है, द बेबी लैंडेड, बेबी सब्जेक्ट है, इसके अलावा यहां पर द क्यों लगाया गया है, ए बेबी क्यों नहीं किया गया है। देखिए अगर यहाँ पर ए बेबी कर दिया जाता है, इसका मतलब कोई और बेबी टीन सनसेट को जाकर के नीचे गिरी, लेकिन जिसके बारे में बात चल रही तो वही बच्चा तो गिरा है, तो जब उसी के बारे में बात हो रही, जिसके बारे में बात चलती आ रही है, तो हमें द लगाना पड़ेगा, इसका मतलब वह बच्चा जिसके बारे में ऊपर घटनाक्रम लिखा हुआ है, इसलिए द आया हुआ है, और वह बच्ची लैंडेड, जाकर के गिरी, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, कहां पर गिरी, ऑन द टेम्परेरी सनसेट ग्लो, नीचे जाकर के सनसेट पर जो कि अस्थायी रूप से लगा हुआ था उस पर जाकर गिरी, ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है। क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, काम कर रहा है एडवर्ब का, एडवर्ब के अंदर काम कर रहा है प्लेस का, वो जाकर टीन सेट पर गिरी, टीन सेट पर कहां पर गिरी, उसके किनारे पे गिरी, यहां गिरी, वहां गिरी, कहां गिरी, टीन सेट पर, सॉरी सनसेट पर जाकर गिरी, नीचे जाकर के गिरी, वो जो सनसेट लगा हुआ था वो नीचे वाले जो पोर्शन है उस पर लगा हुआ था। अब मान लो कि आपका रूम है, उसके नीचे एक और रूम है, तो हो सकता है कि शेड यहाँ पर लगाओ और आप यहाँ पर खेल रहे हो, तो ऊपर थोड़ी ना गिरती है, नीचे कोई गिरेगा, इसका मतलब ये है कि जो रूम के ऊपर रूम बना हुआ था, यहाँ बालकनी में कोई खेला था, उसके नीचे जो लगा हुआ था ये सनसेट, इस पे जाकर के वो नीचे गिरी, ठीक है, तो एक तो ये सनसेट की पोजिशन बताएगी कि ये कहाँ पर था, वो कहाँ गिरी, और वो कहाँ लगा हुआ था, ऊपर लगा था कि नीचे लगा था, तो ये नीचे लगा था, बिलो, क्योंकि ये वर्ड भी प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, तो आप इसको ऐसे नहीं करेंगे कि ऑन द टेम्परेरी सनशेड बिलो, ऐसे नहीं करेंगे, ये इतना फ्रेज एक अलग है और ये वर्ड अलग है, आगे का सेंटेंस जो भी होगा वो देख लिया जाएगा, मैंने लिखा नहीं बेसिकली यहाँ पर, तो ये भी एडवर्ब है, अलग से काम कर रहा है प्लेस का, ठीक है, इसको साथ में कंसीडर नहीं करेंगे, तो बारीकियों पर ध्यान देना पड़ता है कि कैसे क्या काम कर रहा है। अब एक क्वेश्चन का आंसर मैं देने चाहता हूँ, उसके बाद वीडियो को हम लोग फिनिश करेंगे, एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद कुछ छूट तो नहीं गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगला सेंटेंस कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जो है कुछ लोग क्वेश्चन हो सकता है कि सर मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको इसके साथ में देखा जाता, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये प्रपोजिशनल फ्रेज अलग है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज अलग है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज अलग है और ये अलग है, तो फिर अब इसको क्या बोले, ये ग्रामर में समझ में नहीं आता है, इसको कैसे जस्टिफाई करें कि ये क्या काम कर रहा है। देखिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि तोड़ने का काम जितना जायज है ना, जिसको जस्टिफाई हम कर सकते हैं, जैसे इसको जस्टिफाई हम कर सकते थे, इसको मैंने कर दिया, अब ये कैसे काम कर रहा है, मैं कैसे इसको समझा सकता हूँ या आप कैसे समझ सकते हो, एक्चुअली में ये टोटल का काम कर रहा है इस वाले पार्ट के लिए, है ना, और अगर आप ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कहीं ना कहीं ये आपका पजेसिव का काम कर रहा है, यहाँ पर ये इसका जो है पजेसन का काम कर रहा है कि ये इसका हिस्सा है ना,
और ये वाला ये इसका हिस्सा है, ये इसका हिस्सा है, तो ये पजेसिव का काम कर रहा है। अब ये पजेसिव फ्रेज है क्या? नहीं, प्रपोजिशनली फ्रेज है, लेकिन टोटल का काम कर रहा है इस अगले वाले पार्ट के लिए, पिछले वाले पार्ट के लिए जिसके पहले लगा हुआ है। तो किसको कैसे पढ़ना है, ये पढ़ते पढ़ते ही समझ में आता है। जब आप कई सारे वीडियोस, उनके नोट्स बनाओगे, इनके पीडीएफ डाउनलोड करोगे, इनकी प्रिंट आउट करोगे, खुद भी तोड़ने की कोशिश करोगे, अगर आप चाहते हो कि इसी को आप खुद अपने मन से भी तोड़ना चाहते हो, तो मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल उपहार क्लासेस पे डाल दूंगा, इसकी आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, खुद कोशिश कीजिए कि करके, जैसे जैसे मैंने कोशिश की है, जहां पर कंफ्यूज है उसको अंडरलाइन कर लो, उसको हाईलाइट कर लो। और मेरी वीडियो मत देखिए कंफर्म करने के लिए, आप पहले करते जाइए, आ रहा छोड़ नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, जितना आ रहा उतना कर लीजिए, कंफ्यूजन है तो उसको करके उसके नीचे ले दिए कि हमें ये लग रहा है, फिर उसके बाद मेरी वीडियो से मैच करने की कोशिश, कितना आपका मैच हो रहा है, और ये चेक कीजिए कि हो सकता है जो मैंने चीज शायद बाय चांस बताना भूल गया हूँ वो आपने करके दिखा दिया हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब चीजें कीजिए, और अगर आप पेन पेपर पर कुछ करते हो और मुझे दिखाना चाहते हो, तो मुझे वो चीज टेलीग्राम पे पर्सनली भेज देना, तो मैं उसको शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो कई सारी चीजें समझने के लिए, मैं उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो ऐसे ही मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, और सीखेंगे नई चीजें और नेक्स्ट लेवल पे और अच्छी तरह से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।